सो ये देख लो आपकी सबसे यूनिक डिश, वो जिसको बोलते हैं खारी, हमेशा चाय के साथ खाया, पर ये आप हो गई एकदम मसालेदार और मसाले में डाल रहे हैं। देख लो आप सभी लोगों ने पाव भाजी बहुत जगह खाए होंगे, पर हम ऐसी जगह आ चुके हैं जहाँ पे आपको बहुत यूनिक यूनिक डिश मिलेंगे, और यहाँ पे मुलुंड पे काफ़ी फेमस गली है। तो ये देख लो हम आ चुके हैं नत्तू पाव भाजी सेंटर, और हम इनका ट्राई करने वाले खारी मसाला फ्राई। तो चलिए आज बॉम्बे फूडी डेज आपको स्पेशली इनका मसाला पाव है, तवा पुलाव है, पाव भाजी सब कुछ है, पर हम ट्राई करने वाले खारी मसाला फ्राई, राइट सर? इसको खारी मसाला बोलते हैं ना, तो बेसिक। और ये आइडिया भी आपको कहाँ से आया? मुंबई में तो पहली बार डिश है ये, आप ही ने लॉन्च किया था ना सर? 2 नवंबर को सर ने ये डिश लॉन्च की थी। और ये देख लो सबसे पहले इन्होंने बटर डाला है, और फिर कैप्सिकम, कांदा, और जेन में भी ऑप्शन मिल जाएगा क्या इसका? तो आपको जैसा भी ऑप्शन चाहिए होगा वैसा मिल जाएगा। तो ये देख लो, सो ये देख लो इन्होंने मसाला, टमाटर वमाटर सब डाला है, टमाटर पूरा का पूरा ग्रेवी बना के रखा है। फिर इसमें डालने वाले हैं काफ़ी यूनिक यूनिक सीजन, तो पहले तो इसको पूरा ग्राइंड करने वाले बिल्कुल पाव भाजी जैसा, राइट सर? तो कितने मिनट का प्रोसेस है कम से कम? 8 मिनट। और इसका क्या कॉस्ट है सर? 150 और 180। अच्छा 150 180, ऐसा क्यों? 150 में क्या है, 180 में क्या है? चीज़ का लेयर ज़्यादा रहेगा उसमें और मेयोनीज का। अच्छा, कस्टमर के हिसाब से, कस्टमर को जैसा चाहिए वैसा मिलेगा। तो आप लोगों ने अगर ये डिश कहीं मुंबई में कहीं और देखी हो तो ज़रूर कमेंट करके बताना। वैसे तो हम मुलुंड में हैं, नत्तू पाव भाजी इन्होंने ही पहले लॉन्च किया था 2 नवंबर को। अब ये देख लो पूरा का पूरा खाली का मसाला डाल, मसाला तैयार हो गया। अब इसमें ना ये टमाटर वमाटर सब पूरा गल जाएगा ना, उसके बाद जो लास्ट होती है ना खारी, खारी हमेशा क्रिस्पी हो जाती है सर। खारी सॉगी नहीं हो जाती है इसको रखने में? हाँ, तो आपकी स्पेशल खारी होती है या फिर अलग से मंगाते हो आप? सेम होती है, मंगाते हैं, ऑर्डर देके मंगाते हैं। अच्छा, ऑर्डर देके मंगाते हो आपके लिए? जल्दी से नरम ना हो, जल्दी से नरम ना हो, इसलिए ना सर ऑर्डर देके मंगाते हैं अपनी खारी स्पेशल वाली। ये पूरी गली में हर जगह पाव ही पाव भाजी मिलते हैं ना सर? तो ये गली कितने सालों से पाव भाजी के नाम पे फेमस है? 50 साल के ऊपर। अच्छा, 50 साल से ऊपर। सबसे पुरानी दुकान यहाँ पे कौन सी है? सबकी पुरानी, सबकी। अच्छा, पूरी की पूरी गली, और यहाँ पे सबको मतलब पाव भाजी पूरे मुंबई के लोग खाने आते होंगे ना? मुंबई और बाहर से भी, अमेरिका लंदन से भी आते, जो आते हैं ना इधर। अच्छा, वो आते पार्सल भी ले जाते हैं पाव भाजी का जो है ना? हाँ, पाउडर बना के ले गए थे, जैसे मैगी को पानी में भिगा करते ना वहाँ पे, वैसे ये लोग उसका पाउडर पानी में गर्म पानी डाल के वहाँ बाहर वाले खाते। तो पाउडर आप कौन देता है, आप बनाते? तो वो लोग बोलते हैं, तो वो लोग मशीन में प्रोसेस करके पाउडर करके लेके जाते हैं। अच्छा, पाउडर वाली पाव भाजी भी आती है? पाउडर वाली वो लोग पाउडर करके लेके जाते हैं, पानी में डालेंगे ना तो वापस पाव भाजी ऐसा रेडी हो जाता है। अच्छा, मैं समझ गया समझ गया। बाहर वो लोग को खाना रहेगा, वो पाउडर लेके आते तो महीना भर खाते। ओह, प्रोसेस अलग है, वो थोड़ा प्रोसेस अलग है बॉस। जिसको यहाँ का स्वाद पसंद है वो लेके आता है। बात सही बोल रहे हो, हमको भी पसंद है, इसलिए हम पाव भाजी खाने आए हैं यहाँ पे। आपका मसाला खारी काफ़ी टेस्टी है ज़्यादा, और ये मेयोनीज और ये तंदूरी मेयोनीज, और ये है चिंग्स का सेजवान। तो इसमें सेजवान भी पड़ गया है, अभी चीज़ भी पड़ेगा, अमूल का भी चीज़ है। इधर टेस्ट अलग, वो अलग हो गया ना कलर? अरे यही तो ग्रेवी में खासियत है, ये ग्रेवी का कितना घट हो गया, ये ना खारी के अंदर घुसेगा नहीं तो खारी नरम नहीं होगा। अच्छा, ये ग्रेवी कितना गाढ़ा हो गया। सो ये देख लो आपकी सबसे यूनिक डिश, वो जिसको बोलते हैं खारी, हमेशा चाय के साथ खाया, पर ये आप हो गई एकदम मसालेदार और मसाले में डाल रहे हैं। देख लो काफ़ी यूनिक डिश है ये इसकी। काफ़ी तो ये लोग खाने आते हैं, ट्राई करने आते हैं, फोन करके आते हैं। मरीन ये चरनी रोड, घोड़ बंदर, कॉलेज के बच्चे लोग। एक बार मैं घर पे सोया था 2 बजे, मैं 3 बजे लगाता हूँ, 2 बजे कॉल करके बोलते खाली मतलब मैं बोलता हूँ 3 बजे की 3 से 11 मिनट। हाँ, आप आज मेरे आने के पहले आके खड़े थे। वाह वाह, बात तो बोली।
तो ये अपना मसाला खारी तैयार हो गया है। लेट्स ट्राई कैसा होगा। एकदम फ्राई किया इन्होंने, पूरी खारी की खारी मसाले में डूब गई है और उसको ड्रेसिंग भी दे रहे, एकदम अनोखी टाइप की ड्रेसिंग है। अच्छा और भी बच्चे जितनी भी खारी आपको सब खारी मिलेगी। इसका कॉस्ट सर आपने क्या बोला? 150 और 180। तो हमें आप कौन सा वाला दे रहे हो? 180 वाला। और ऊपर से देख लो खारी के ऊपर और मसाला लगाया जा रहा है। तो अभी इसमें चीज़ भी डाल रहे हो और आप लोग देख सकते हो मेरे हाथ में आ चुका है खारी मसाला फ्राई है। इसके साथ उन्होंने दिया सैलेड, कांदा और काकड़ी और भी मसाला डाल के। तो ये खारी कम से कम 8 खारी होगी और पूरा चीज़ है। मुंबई में आपको कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ रत्थू पाव भाजी में मिलेगा अभी मुलुंद में। सर शोर का टाइमिंग क्या है? 3 to 11 रात के 11 बजे तक मिलेगा। अभी न्यू ईयर में आओ सब लोग ट्राई करो। टेस्ट काफ़ी यूनिक लगा और काफ़ी क्रिस्पी है। तो मेरी तरफ से ना मेरे को तो मज़ा आ गया, टेस्टी लगा। तो मैं सबको रिकमेंड करूँगा, तो आप लोग भी आके यहाँ पर ट्राई करो क्योंकि मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। तो मुझे लगता है आपको भी अच्छा लगा। 180 rupees का प्राइस है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो ना तो फॉलो भी करना, शेयर भी करना, सब्सक्राइब भी करना और कमेंट में ये बताना आपको मसाला में और क्या क्या देखना है। खारी देखना है या तवा पुलाव या पाव भाजी या कुछ और भी दिमाग में हो आपके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।